सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पाकी प्रखंड के कर्पूरी ठाकुर चौक से मस्जिद चौक सहित पूरा बाजार इन दिनों जाम की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण सड़क पर फुटपाथ की दुकानों के साथ अव्यवस्थित ढंग से बाइक, ऑटो एवं बस खड़ा रहना। इन दिनों चल रही मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के कारण प्रखंड के कोने कोने से परीक्षार्थी पाकी पहुंच रहे हैं। वहीं सिंचाई विभाग के मैदान में लगा डिज्नीलैंड मेले में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे कर्पूरी चौक से मस्जिद चौक तक हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। सबसे बड़ी विकट समस्या परीक्षा केंद्र जाने वाले परीक्षार्थियों को हो रही है, क्योंकि दोनों चौक से गुजरने में उन्हें कई मिनट का समय लग जा रहा है। ज्ञात हो कि कर्पूरी ठाकुर चौक के निकट राजकीय बुनियादी विद्यालय परीक्षा केंद्र है, जिसके थोड़ी दूर बाद प्रोजेक्ट हरिवंश नारायण बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र है, जहाँ परीक्षा के दौरान भारी भीड़ एकत्रित होती है। ठीक इसी के सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भीड़ लगी रहती है, जिसके बाद सिंचाई विभाग के मैदान में लगे डिज्नीलैंड मेले में आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता है, जिसके कुछ दूर बाद मुख्यालय के दो बड़े भारतीय स्टेट बैंक एवं बनांचल ग्रामीण बैंक की शाखा है, जहां सैकड़ों बाइक अव्यवस्थित ढंग से सड़क के किनारे खड़ी रहती है। वहीं मस्जिद चौक के समीप अवैध बस डिपो एवं ऑटो डिपो है। इनके अलावे सैकड़ों फुटपाथ की दुकानें सड़क पर लगी रहती है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बीते कई दिनों से